सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। अजी एक बुरी खबर है। किस बारे में? वकार भाई का एक्सीडेंट हो गया। बहन ये सब अचानक कैसे हो गया? ऐसी टक्कर मार के गया कि मेरे वकार की जान ले ली। तुम जैसे इंसान जो उस लड़की पर एतबार ना करता, जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का दावेदार हो, वो इंसान मेरा लाइफ पार्टनर बनने के काबिल नहीं हो सकता। क्या वाकई मेरी शादी जावेद से होगी? नहीं बेटा, इस दफा ऐसा नहीं होगा जैसा वो लोग चाहते हैं। काश तुम लोग उस वक्त मेरी बात मान लेते, निकाह कर देते तो मेरा वकार, अपनी इकलौती बेटी की खुशी तो देख सकता था ना। अरे अम्मा बस रोई तो मत कम अज कम। मैंने सोचा कल के लिए तुमसे अफसोस कर लूं, बुरी बात है ना, अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई जो तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि मुझे पता था इतनी घटिया और गिरवी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और जो तुमने मेरे साथ किया था वो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि समीर और मेरा रिश्ता तोड़वाकर तुमने मेरा अजीम नुकसान किया है, तो तुम्हारी इत्तला के लिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि मुझे कभी समीर से मोहब्बत हो ही नहीं सकी, क्योंकि मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं था। What? अगर मोहब्बत नहीं करती थी तो शादी क्यों कर रही थी उससे? ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे उस शख्स से निजात मिल गई जो मुझे डिजर्व ही नहीं करता था। थैंक यू सो मच। यार साहिल, अभी ये तो हमारी चाल ही उल्टी पड़ गई भाई। उसका बुरा करने चले तो भला हो गया? तो बेवकूफ बना रही थी यार हमें। मतलब ये कि तुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी ऐसे शख्स से शादी करेगी जिसके लिए इसके दिल में उसके लिए फीलिंग ना हो। हो सकता है, हो सकता है वो अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर रही हो। इतनी अच्छी बच्ची नहीं है ये किसी की खुशी के लिए ये मंगनी कर ले। आई डोंट थिंक सो। तो यार तेरे कहने का मतलब ये कि जो अभी ये इतनी सारी बातें हमारे साथ करके गई है तो हमें बेवकूफ़ बना रही थी क्या? तो और क्या? तुम्हारे ख्याल में अब क्या करना चाहिए? फिलहाल इसे कुछ वक्त देना चाहिए हमें, बेचारी के आंसू तो खुश हो जाए यार। यू डिड अ ग्रेट जॉब मैन, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुमने साहिर आलम का मुंह बंद करवाने के लिए वो सब कहा था या वाकई तुम्हें समीर के जाने का कोई दुख नहीं है? साहिर आलम का मुंह बंद कराने के मुझे बहुत से तरीके आते हैं, उसके लिए भला मुझे कोई गलत बयानी करने की क्या जरूरत है? और समीर की रसाई तो मेरी सोच तक नहीं हो सकी, दिल तक क्या होती। उसके साथ मैं कई बार मुस्कुराई जरूर, लेकिन अपना कोई दर्द से शेयर नहीं किया मैंने। और जो आपके दिल के करीब ना हो उनके जाने का आपको कोई दुख नहीं होता। नहीं हुमा, ये मुमकिन नहीं है कि मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊं। मैं अपनी माँ को मुश्किल में नहीं डाल सकती यार। मैं जानती हूँ ऐसा करने से मेरा निकाह तो टल जाएगा, मगर मेरी माँ की जान अजाब में आ जाएगी। वैसे ही सबने मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि उन्होंने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। मैं ये कदम उठा के उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। देख लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी मचाने का ये आखिरी मौका है। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी उन बेरहम लोगों के हाथ में होगी। मैंने अपना हर फैसला उसके हाथ में छोड़ दिया है जो हम सबकी तकदीरों के फैसले करता है। तुम्हारी मर्जी। चलो बस आ गए। सहर जल्दी आ जाओ, देर हो रही है, लंच पे भी जाना है। बस दो मिनट। स
सहर तुम्हारी तहमीना मुमानी का फोन आ रहा है। आ रही हूँ। हेलो जी मुमानी। क्या जी? बस मैं फौरन आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं रहा, यानी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने में कुछ ही वक्त बाकी बचा है। क्या मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकूंगी? क्या मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को बर्बाद होते देखती रहूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। मगर मैंने जो उसे बचाने के लिए रास्ता चुना है, उसकी वजह से कहीं नादिया की जिंदगी में मुश्किलें ना आ जाए। पर अब जो भी हो, मैंने नादिया के लिए जो फैसला किया है वो मैं नहीं बदलूंगी। मामू, मामा कैसी हैं? ठीक है बेटा, ठीक है। अगर कुछ पता चला कि ये किसने किया है? हाँ बेटा, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वही साहब लेकर। आजकल के दौर में अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। मामा को यहाँ लाना शख्स की इंसानियत नहीं थी, बल्कि अपने जुर्म को गलती का नाम देने के लिए वो यहाँ लेकर आए ताकि हम उसकी पुलिस से कंप्लेन ना कर दें। नहीं, जल्दी बदगुमान नहीं होते बेटा, नेकी की है उसने। आजकल नेकी करने का दौर है ही कहाँ। और आप प्लीज़ हर ऐसे इंसान से इंप्रेस ना हो जाया करें जो नेकी करने का दिखावा करते हैं। खैर, वो आदमी किधर है? बेटा वो रिसेप्शन। अच्छा, मैं देखती हूँ। आओ। आइए नादिया, ये है तुम्हारा मेहंदी का जोड़ा और ये है दुल्हन। इसे मेहंदी लगानी है और बहुत अच्छी मेहंदी लगानी है जो शाम तक सूख भी जाए। मेरे जावेद को मेहंदी बहुत पसंद है। आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। बैठिए। आपको कैसा मेहंदी का डिजाइन पसंद है? कुछ भी बना। ओ, तो ये तुम हो। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था जब मुझसे वाबस्ता हर इंसान के साथ कुछ अजीब हो। ये मुझ समय सबके साथ कुछ बुरा हो तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो सकते हो। आखिर मेरी माँ को तकलीफ देकर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम कितने बेरहम और बेहिस हो जो सिर्फ बदला लेना चाहता है, चाहे इसके लिए किसी को कुछ भी नुकसान पड़ जाए। अगर तुम्हें इंतकाम लेना था तो मुझसे लेते। इस तरह मेरी माँ को हर्ट करके तुमने मुझे इनडायरेक्टली हर्ट करने का प्लान बनाकर ही साबित कर दिया कि तुम एक कमज़ोर इंसान हो। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते थे तो आज तुम्हें एक बात बता दूँ, जिस इंसान की नफरत और दुश्मनी खालिस ना, उसकी दोस्ती कैसे खालिस हो सकती है? जो अपनी दुश्मनी के सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुका हो, उसे अपनी दोस्ती की लिमिट्स कैसे याद रह सकती हैं? देखो मेरी बात सुनो, जिस एक्सीडेंट की वजह से तुम इतनी लंबी तकरीर कर रही हो ना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक बदले की बात है, तुम्हारी माँ की पेशानी पर नहीं लिखा हुआ कि वो तुम्हारी माँ है, समझी तुम? इस फजूल सी बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारी माँ को जानता नहीं हूँ तो कैसे नुकसान पहुँचाऊंगा मैं उन्हें? तुम झूठ बोल रहे हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे सामने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुम इनसे बहस क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ इनको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दूसरों की जाने भी उतनी ही कीमती होती है जितनी खुद इंसान की। बेटा ये वो साहब नहीं है जो गुलनार को लाए थे। आंटी को होश आ गया और वो आपको बुला रही हैं। खैरियत तो है पप्पू? क्या हुआ? अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है। बेटा तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने क्या फैसला किया है। मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया।
बेटियां ना वो ही बहुत मनूस। आज ही तुम्हारा निकाह तय हुआ और आज ही खैरियत तो है पप्पू, क्या हुआ? तुम लोगों के मनूस साया होते हुए इस घर में खैरियत हो सकती है? पहले जब तुम्हारी शादी की बात चली तो मेरा भाई चल बसा और आज निकाह तय होते ही अम्मा की यह हालत हो गई है। अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है। दादी को दिल का दौरा पड़ गया? साहिर ये क्या बदतमीजी है, छोड़ मेरा हाथ। तुम्हें हिसाब बराबर करने का बहुत शौक है ना, फिर कैसे छोड़ दूं तुम्हारा? मतलब ये कि जो खूबसूरत अल्फाज तुमने मेरे बारे में इस्तेमाल किए हैं वो वापस करो, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं, स्कैंडल बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी। मिस सहर साहब, साहिर हाथ छोड़ो मेरा, ये हॉस्पिटल है, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। पहले अपने अल्फाज वापस लो, माफी मांगो मुझसे। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई। I'm sorry. That's like a good girl. तुमने अपने अकलमंद होने का सबूत दिया मुझे, शुक्रिया। हाँ याद आया, जानती हूँ मैं यहाँ क्यों आया था? मुदस्सिर के वालिद का पता करने। वैसे मैं यहाँ आया अच्छा हो गया ना, वरना इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल जाता। नहीं अभी तुम्हें जितना खुश होना है ना हो लो, मेरी माफी तुम्हें काफी महंगी पड़ेगी। परेशान मत हो। हमें ये सब क्या हो गया? क्या बेटा? मुझे तो लगता है हम ही मनुष्य। पहले मेरी शादी की बात हुई तो अबू और अब दादी। इस तरह की फजूल बातें नहीं सोचते बेटा, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान बच गई। अम्मी आप, मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं बहुत बेहिस लग रही बेटा, औरत खुद गर्ज नहीं होती। अम्मी को इस हाल में देखिए मुझे दुख है, लेकिन ये भी सच है बेटा कि अगर अम्मी को दिल का दौरा ना पड़ता तो साजदा के बेटे से तुम्हारा निकाह हो चुका होता। जब वो ठीक होगी आएंगी तब भी तो मेरी शादी उसी से होनी है ना। नहीं बेटा, मेरा यकीन करो अब ये निकाह नहीं होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि अब जो मैंने फैसला किया है उसके बाद किसी का फैसला भी तुम्हारी जात पर असरअंदाज नहीं कर सकता। मैं समझी नहीं, ऐसी कौन सी राह तलाश कर ली है कि आप इतनी मुतमईन दिखाई दे रहे हो? राहे निजात। मैं अभी नहीं समझी। रात तक इंतजार करो बेटा, सब समझ आ जाएगा। भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है। भाई जब तुमने गलती की है तो माफी मांगी है ना, भला किसने कहा था बिना कंफर्म किए सबके सामने उस पे इस तरह बरस जाओ? तुम्हें आज उसे कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही? खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस वक्त तुमने ज्यादती की थी। एनीवे जो भी है, लेकिन उस वक्त उस आदमी के सामने हारना मेरे लिए बहुत अजबनाक था। तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त उसके चेहरे पे जो जीत की चमक थी वो देख के मुझे कैसा फील हुआ। फिर तुम उससे माफी ना मांगती? उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, अगर मैं नहीं करती तो पता नहीं वो क्या कर देता। जिस कॉन्फिडेंस से उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा था वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक गिर सकता था। अच्छा खैर छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। खैर भूलूंगी तो नहीं। तौबा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पता है मुझे। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, सहर शाह जैसी लड़की तुझसे माफी मांग सकती है? अपने दोस्त को हल्का ले रहे हो तुम। साहिर आलम ने जिसे चाहा अपने सामने झुकाया है,
लेकिन ये सीन कॉलेज में होता ना तो ज्यादा मजा आता। सच कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन अब भला कहोगे तो कौन यकीन करेगा तुम्हारा? अच्छा सुनो जरा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई। I'm sorry. तू तो खिलाड़ी निकला यार। सहर साहब क्या कर रही हो बेटा? नोट्स वगैरह समेट के रख रही थी, सुबह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये सब बाद में करना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बेटा, तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने क्या फैसला किया है। मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अम्मी, इस घर में अबू की यादें जुड़ी हैं, आप उनसे रिश्ता तोड़ के यहां से जाना चाहते हैं? बेटा जिंदा लोगों को बचाने के लिए मरे हुए लोगों की यादों की कुर्बानी देना महंगा सौदा नहीं। लेकिन अम्मी, दादी ने इजाजत दे दी और फुप्पो कैसे मान गई? बेटा अभी ये बात मैंने किसी से नहीं की, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगर अम्मी किसी को बताएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। इस घर को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? कायनात बहुत बड़ी है बेटा, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। मतलब हम यहाँ से किसी को कुछ बताए बिना चले जाएंगे? अगर मजबूरी ना होती तो मैं ऐसा कदम कभी ना उठाती, और मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए भी तो नहीं देख सकती। जब तक मैं साहिर आलम से बदला नहीं ले लूंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे माफी मांगने पर मजबूर करे? आई हेट यू साहिर आलम, आई हेट यू। जा रहे हैं अम्मी? बेटा फिलहाल तो हम सादिक अंकल के घर जा रहे हैं, वो ही हमें हमारे नए घर में लेकर जाएंगे। हिसार-ए-इश्क। मैं चाहता था कि तुम मुझसे माफी मांगो, तुमने माफी मांगी, और फिर मैं चाहता था कि मेरे इस कारनामे के बारे में यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को पता चले, सो वो जान गए। उठो जल्दी से, जल्दी उठो, यहाँ मुसीबत आ गई जो सुबह सुबह उठा दिया। अम्मा वो रानिया और नादिया ना घर में नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है तो इनको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि लोगों का कानून पर से एतमाद बहाल हो सके। तुमने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी? हाँ, मुझे बदनाम करने के लिए। मैंने वही किया साहिर आलम जो तुम डिजर्व करते हो। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दें।
बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा हिसार-ए-इश्क है, कैसी है जिंदगी।